हाय समीक्षा, सेलोने दिस साइड, वेलकम टू फिल्म विंडो। हाय। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि हाल ही में विशाल ने जो कमेंट किया था कृतिका पर कि भाभी अच्छी लगती हैं, उसकी वजह से घर में बवाल हो गया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट नहीं था, तारीफ थी। ठीक है, अब वो तारीफ को वही चक्कर है कि लोग तारीफ को तारीफ की तरह नहीं ले रहे। क्या कर सकते हैं अभी, ये तो लोगों की मेंटालिटी के ऊपर है, वो जैसे ले रहे हैं। पर अच्छी बात यह है कि बाहर से पूरा सपोर्ट है, जो लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन है वो देख रहे हैं कि क्या उसने क्या बोला है, किस वे में बोला है, वो लोगों को दिख रहा है, हम लोगों को दिख रहा है, बाहर पूरी ऑडियंस को दिख रहा है, और वो उसको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। इसी बात पे अरमान को काफ़ी गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में विशाल को थप्पड़ मार दिया। किसी को थप्पड़ मारना कहाँ कभी सल्यूशन है। ठीक है, पहली बात तो गलती ही नहीं है बेचारे की, ज़बरदस्ती का मार दिया, पर थप्पड़ कभी कहाँ सल्यूशन हो सकता है किसी चीज़ का, ये भी तो आप सोचो ना। तारीफ ही करी थी ना उसने, कुछ बुरा तो नहीं बोला था, तारीफ ही करी थी। अगर ये भी बोला होता कि यार क्या है ये, मतलब कुछ भी ख़राब बोला होता अगर, तो भी समझ में आता है एक बार कि आपको गुस्सा आ सकता है। तारीफ पे आपको कैसे गुस्सा आ सकता है, आपको तो बल्कि और प्राउड होना चाहिए ना कि हाँ मेरी बीवी के बारे में लोग अच्छा बोल रहे हैं। अच्छा, आप तो विशाल को जानती हैं अच्छे से, आप लोगों ने काफी साथ में काम भी किया है, तो इससे पहले आपने कभी देखा कि उन्होंने इस तरीके से किसी को कमेंट किया हो? अब मुझे यही चीज़ का सबसे ज़्यादा दुख है, पता है आपको, कि ये अरमान की हरकत के बाद जो है ना ये सवाल हो रहे हैं, ये बात का मुझे सबसे ज़्यादा दुख है। ये नहीं होना चाहिए कि मतलब कैसे आपका एक सेंटेंस, कैसे आपका एक मिस इंटरप्रिटेशन, एक आपने जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी पायल ने, एक चीज़ कोई किसी लोगों के मन में ये डाउट खड़ा कर देगा कि अरे यार ये ऐसा है, अरे अच्छे घर से आया हुआ अच्छा लड़का है वो, किसके साथ उसने, उससे पता क्या है, लड़की को ना खुद समझ में आ जाता है। मैं आई थिंक हर लड़की के बिहाफ पे बोल सकती हूँ कि लड़की को समझ में आ जाता है कि मुझे किस इंटेंशन से देख रहा है। ठीक है, और लड़कियों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो तुम खुद बोलो पहले तो। ठीक है, तुम खुद तो बोलने, पता नहीं क्यों अरमान बीच में आके जो है वो कर रहा है। और आपके सवाल का जवाब ये है कि नहीं, मुझे कभी भी नहीं लगा, और मैं लिख कर दे सकती हूँ ये कि कोई भी लड़की जिसने भी उसके साथ आज तक काम किया होगा उसे ये फील नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये प्लीज़ ये सब मत करो, सवाल भी मत करो, ये मतलब बहुत, लेट्स जस्ट एंड दिस हियर। अभी जो हो गया, रायता फैलना था वो फैल गया। अभी बेचारे ने यार इतनी मेहनत करी है हमने फ्रॉम नो वेयर, कोई हमारा बैकग्राउंड नहीं है, किसी का हमारे सर पे हाथ नहीं था, हमने रात रात दिन दिन भर मेहनत करके जो है यहाँ तक हम लोग पहुँचे, और तुम्हारा एक स्टेटमेंट बस खराब कर दिया, तुमने सारा इमेज ही खराब कर दिया लड़के का। ऑब्वियसली बहुत परेशान है यार, सब परेशान है, मैं भी बहुत परेशान हूँ कि यार ऐसा सब हो गया उसके साथ। पर अभी जो है सो है, खड़ा हुआ है वो डट के, ही स्ट्रॉन्गर, ही इज मोर स्ट्रॉन्गर इनफैक्ट, और इतना सब के बाद भी वो इतने अच्छे से खेल रहा है, मेचोरिटी से खेल रहा है, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। पायल ने स्टेज पर गलत बोला विशाल को लेकर, विशाल ने कहा था कि भाभी सुंदर है, लेकिन पायल ने कहा कि विशाल ने कहा है कि मुझे भाभी अच्छी लगती है। अभी वो बाहर आके रो रही है ना, रोते कौन है जो गलती करते हैं। विशाल ने भी कहा कि वो अरमान की जगह होते तो वो भी ऐसा करते, मतलब वो भी थप्पड़ मार देते। क्या विशाल ने क्या कहा, सॉरी? कि वो अरमान की जगह होते तो वो भी ऐसा कर देते। ऐसा विशाल ने अरमान को बोला? हाँ, कि अगर वो अरमान की जगह होते तो वो भी ऐसा ही करते, मतलब अगर उनकी वाइफ को लेकर, तो इस पे विशाल ने ऐसा बोला। अभी देखो दिक्कत पता क्या है कि अगेन आई विल से दिस कि आधी नॉलेज जो दे रहे हैं ना बाहर, पायल ने जो आधी नॉलेज दी उधर, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, जिस तरीके से इंटरप्रिटेट करके वो अरमान को बताया गया, उस हिसाब से विशाल ने शायद ये बोला होगा कि अगर मुझे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती या मुझे भी ऐसा पता चलता तो शायद मैं भी उतना हाइपर हो जाता, बिकॉज वो है, उसको गुस्सा आ जाता है और ऑब्वियसली आ जाएगा। बट दिक्कत ये है ना कि इंटरप्रिटेट किया गया है बातों को चेंज किया गया है, पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी गई। आधी इन्फॉर्मेशन के साथ तुम कैसे कर सकते हो ये, तुम ये भी तो बताओ इन अ गुड वे। और जब ये चिल्ला चिल्ला के वो ये बोल रहा है तो वो तुम सुन क्यों नहीं रहे, कोई विश्वास क्यों नहीं कर रहा उस बात पे, सुन ही नहीं रहे हो तुम उसकी बात। विशाल ने
विशाल और लोकेश की दोस्ती के बारे में आप क्या कहेंगे, कैसी? बढ़िया है ना, अच्छी चल रही है दोनों की दोस्ती। विशाल खड़ा हुआ है उसके लिए, कर रहा है, और इतना अच्छा वो कर रहा है, तो मुझे लगता है कि लवकेश भी उसके लिए अच्छे से कर ही रहा होगा, तभी वो भी उसके लिए कर रहा है, और भगवान करे ये जोड़ी ऐसी बनी रहे। ओके, आप टॉप 3 में किसको देंगे, किन-किन को देंगे? विशाल तो ऑब्वियसली ठीक है, बाकी यार मैं बहुत अच्छे से नहीं फॉलो करती हूँ, बट जो भी मुझे लगता है आई थिंक सना मकबूल भी अच्छी है, और लव कटारिया ओके, विशाल को ऐसा विनर देखते हैं, ऑफ कोर्स, अगर विशाल नहीं तो और कोई, कौन विनर? देर इज नो प्लान बी, देर इज ओनली प्लान ए, विशाल ओनली। बाकी और कोई जीते नहीं जीते ऑनेस्टली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे ओके तो पूरा सपोर्ट विशाल को ही है। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू। मच।